हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। अभी मैं इस समय पहाड़ से नीचे उतर रहा हूं, मतलब नैनीताल से वापस आ रहा हूं। तो एक चीज़ आई, मैंने सोचा आपके साथ वो शेयर करनी ज़रूरी है। कुछ लोगों को देखा है और सलाह देते हुए भी देखा है कि कुछ होशियारी में करते हैं और कुछ नादानी में, बेवकूफ़ी में करते हैं। और वो कहते क्या हैं कि जब भी पहाड़ से उतरो तो भाई गाड़ी बंद कर लो, है ना। खैर, कार में तो मैंने अब देखा है, लोगों को आ गई है नॉलेज, अकल आ गई है कि भाई सारी चीज़ें जो हैं इंजन से ही चलती हैं। पावर बंद कर देंगे तो कहाँ से कुछ चलेगा, ब्रेक व्रेक, चलो वो तो एक तरफ हो गई। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस समय बाइक पर हूँ तो बाइक की, कि कहते हैं आते हुए बंद कर दो, दिक्कत क्या है, गाड़ी अपने आप चलती आएगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो आगे गाड़ी चल रही है, ये भी मेरे आगे बिल्कुल शांति से निकली है, तो और ये भी ऐसे ही चल रही है, बंद कर रखी है उसने। तो ये बहुत लोग इस चीज़ को कहते हैं, हाँ यार दिक्कत क्या है, इंजन ही तो है, खाली बंद है, अपने आप लुढ़कती जा रही है ढलान पे। तो मैं सोच रहा था ये बात करनी ज़रूरी है, और इसके पीछे क्या लॉजिक है। सिर्फ ये नहीं है कि आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है और सिर्फ यही हो गया, बहुत बहुत एक मेन चीज़ है जो इंजन ब्रेकिंग है वो हो जाती है बंद। अब मैं चलो आपको बताता हूँ, शुरुआत से बताता हूँ, विद एग्जांपल बताता हूँ। गाड़ी अभी मेरी चल रही है, ठीक है, मैं सबसे पहले वही वो लेता हूँ केस, गाड़ी को करते हैं हम पहले में आ गई, आजा आजा, हाँ न्यूट्रल, गाड़ी कर ली मैंने बंद। अब गाड़ी है हमारी अपने आप से लुढ़कना शुरू कर दिया, ठीक। ये चीज़ लोग कहते हैं कि भाई ये करो, दिक्कत क्या है। वैसे उनका कहना भी सही है, देखो अपने आप स्पीड लेने लगी गाड़ी और अब गाड़ी लुढ़कती जाएगी, मेरा ना तेल लग रहा है ना कुछ, यही कहते हैं ना। तो अब देखो, अब सबसे बड़ी चीज़ है, इस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है। अब देखो, खैर एक चीज़ नहीं पता लग गई, मुझे नहीं पता लगी, मैंने आज तक ये किया नहीं, कि स्पीड ज़ीरो दिखा रहा है, 15-20 तक गई और स्पीड ज़ीरो हो गई है अपने आप ही, जबकि 5-10-15 मतलब बढ़ती चली गई, और ये बढ़नी चाहिए थी आगे क्योंकि व्हील तो घूम रहा है। लेकिन नहीं, मैंने यहाँ से स्विच बंद कर रखा है, स्विच ऑन कर दिया और इधर देखो अपने आप ही जो वो है मीटर है वो रीडिंग दिखाने लगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। पीछे भी कार है, कार को निकलने देते हैं, जाओ भैया जाओ जाओ जाओ। हाँ, अब यहाँ पर हमको कोई भी चीज़ रोक नहीं रही है। जितना ज़्यादा हमारा वेट है, मतलब गाड़ी का वेट, ऊपर वेट, साथ में जितना लोड है, वो उतने ही ज़्यादा स्पीड पकड़ेगा। फ्री फ्लो, अब देखो 36, 37, 38 ऐसे स्पीड बढ़ती जाएगी गाड़ी की, कोई रोक नहीं है गाड़ी में। कहीं भी सडन मुझे ज़रूरत पड़ गई ब्रेक लगाने की, तो वहाँ पर मुझे एकदम से ब्रेक लेने पड़ेंगे, सारा का सारा जो प्रेशर है वो ब्रेक्स पर आएगा और वहाँ स्किड होगी गाड़ी, ये कन्फर्म है क्योंकि सडन ब्रेकिंग है। और दूसरी, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो स्पीड है वो ज़्यादा आगे ना जाए, जैसे आप कह रहे हैं भाई ब्रेक दबा के भी तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, तो उस केस में मेरी जो ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स कंटिन्यू काम करती रहेंगी ऐसे ऐसे मैं मेंटेन रखने के लिए, और ब्रेक्स हमारी घिसेंगी, ये होगा, ठीक। तो दोनों केसेस में हमारा नुकसान ही हो रहा है। अब करना क्या चाहिए आपको पहाड़ों पे, जब भी हम उतर रहे हैं, देखो चढ़ते हुए तो गाड़ी चलेगी चलेगी, जब हम उतर रहे हैं तब क्या करना चाहिए हमें। सबसे पहले इंजन कभी बंद नहीं होना चाहिए। पहाड़ पे हम अगर उतर रहे हैं तो हमारे पास एक और ब्रेकिंग होती है जो चीज़ हम लूज़ कर देते हैं इंजन बंद करके, वो क्या है, वो है इंजन ब्रेकिंग। बिल्कुल, इंजन खुद भी ब्रेक देता है एक, आप ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ ना, रुको। अब आप कहोगे अच्छा ये होती है इंजन ब्रेकिंग, मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली, ठीक है, गाड़ी हो गई स्टार्ट, अब मैंने पहला तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि दूसरा गियर मैंने लगा लिया, ठीक, अब मैंने यहाँ पर तीसरा गियर लगा लिया है। अब देखना, अब सीधा अगर मैं चल रहा हूँ, अब मैं तीसरे गियर में, मुझे जहाँ पर रखनी है, मुझे जहाँ पर जितनी स्पीड पे रखनी है गाड़ी, मैं उतना ही गियर लगाऊंगा, मतलब तीसरा गियर, फिर चौथा अगर और बढ़ानी चौथे पे लगा लूँ, ठीक। अब देखो, इतना स्टीप नहीं है ढलान, इतना स्टीप ढलान नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखनी पड़े, या फिर यहीं पर ही अगर पाला वाला गिरा होता है या मुझे कम स्पीड रखनी है तो मैं उतना छोटा गियर लेकर चलूँगा। ये देखना, मैंने लगा दिया
दूसरा गियर मैंने लगा दिया पहला गियर। अब अगर यहाँ पाला है ठीक, तो मैं न्यूट्रल नहीं करूँगा गाड़ी को, गाड़ी इस स्पीड से अपने आप चलती रहेगी। देखो ना मुझे ब्रेक की ज़रूरत पड़ रही है ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, अपने आप इस तरह से गाड़ी चलती रहेगी ढलान पर। अभी तो ढलान कम हो गया तो इस वजह से वो रेस मांग रही थी, नहीं तो अपने वेट के हिसाब से गाड़ी खुद चलती रहेगी, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ब्रेक कहीं भी यूज़ नहीं होंगी। यही चीज़ है इंजन ब्रेकिंग। आप कहीं पर भी ढलान पर उतर रहे हो, अगर चाहे ऑफ रोडिंग टाइप की है, ऊबड़ खाबड़ है, पत्थर है या फिर पाला गिरा हुआ बर्फ है, तो वहाँ पर न्यूट्रल करके ब्रेक का इस्तेमाल मत करो। वहाँ पर सबसे पहली जो ब्रेक है वो है आपकी इंजन ब्रेक, मतलब इंजन ब्रेकिंग, उसका आप यूज़ करोगे स्पीड को मेंटेन करने में। क्योंकि कहीं भी जहाँ पर भी ऐसे उसमें सडन आपकी ब्रेक लगी, चाहे आगे पानी है, कीचड़ है या ऊबड़ खाबड़ है, पत्थर है, कुछ भी है, वहाँ पर आप एकदम गिर जाओगे। इंजन ब्रेकिंग इसीलिए ज़रूरी है। तो मैं चाह रहा था ये चीज़ आपके साथ शेयर करूँ, और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और आप ये क्वेश्चन आएगा कि भाई खामा का तेल फूक रहा है, कुछ भी तेल नहीं फूकता। अगर आपकी अपने मोमेंटम पे छोटे गियर में है और हूँ करती आ रही है ज़्यादा रेस लेती हुई, ठीक है, तेल ज़्यादा नहीं फूकता उसमें। सिर्फ आपका ये समझ लो जो इंजन आइडल में तेल जाता है सिर्फ वही जाएगा, और वो तेल का अमाउंट आपकी जो सेफ्टी है, लाइफ है, उससे ज़्यादा नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखो। तो हमेशा इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करो, यही जो हमारा प्रिंसिपल है ये काम आता है कार में। कार में भी आपको यही चीज़ करनी चाहिए, न्यूट्रल में मत रखो, जितना भी हो सके इंजन ब्रेकिंग छोटे गियर में, जितना ज़्यादा ढलान हो, जितनी आपको कम स्पीड रखनी है उतना छोटा गियर कर लो, स्पीड अगर ज़्यादा रखनी है जैसे अब मुझे रखनी है तो मैंने अब गियर बढ़ा लिया अपना, ये चीज़ है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। और अगर आपको ये चीज़ ट्यूटोरियल लेसन या कुछ भी है जिनको पता है तो बहुत ही बढ़िया बात है यार, है ना। और ये चीज़ पता होनी भी चाहिए, अगर आप गाड़ी पे बैठ रहे हो तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और जिनको नहीं पता था उनको अब पता लग गया, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना संस्कारी सुमेश चैनल को। जय हिंद।